नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एयर होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से जबरदस्त 4BHK विला लेकर के आ गया हूं। जी हाँ, बैक टू बैक 4BHK विलाज, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये जयपुर की प्राइम लोकेशन जो कि आपको निवारू रोड पर स्थित है, और अगर मैं कॉलोनी का नाम बताऊँ तो विश्वनाथ धाम कॉलोनी के नाम से ये जो कॉलोनी है ये आपको मिल जाती है। ये जो मैं आज आपको 4BHK विला दिखाने जा रहा हूँ, ये 100 वर्ग गज में बना हुआ है, JDA अप्रूव्ड है। पानी और सीवरेज से रिलेवेंट यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर डायमेंशन की बात करूँ तो 30x30 इसका डायमेंशन मिल जाता है, यानी कि काफ़ी बड़ा फ्रंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी तैयार विला है, इसीलिए इसी का वीडियो बना रहा हूँ। और अभी ये सोल्ड आउट है, ये वाला आपको नहीं मिलने वाला है। विलाज जो है ये वाले आपको मिलेंगे सेम एज इट इज़, ऐसे कैसे बने हुए हैं, बस इसमें टाइल्स लगी हुई अंदर और इसमें मार्बल लगा हुआ है। ठीक है, प्राइस मैं आपको उसका बताऊंगा, लेकिन घर में ही आपको दिखाने जा रहा हूँ। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पर आपको फ्रंट एलिवेशन मिल जाता है। देख सकते हैं, उन विलाज का भी फ्रंट एलिवेशन दिखा दीजिए। सेम ये जो है 3 यूनिट बने थे, जिसमें से 1 यूनिट जो है सोल्ड आउट है और 2 यूनिट हमारे पास अवेलेबल है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं बिल्डर और सेल्स एग्जीक्यूटिव के, वहाँ जाकर के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन घर में आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, कॉलोनी के आसपास का सराउंडिंग एरिया मैं दिखा दूँ, बहुत एक अच्छा डेवलपिंग एरिया है और सभी जगह जो है लोग बाग यहाँ पर रह रहे हैं। सामने की साइड में देख रहे हैं कितना बढ़िया एक घर बना हुआ है। तो कॉलोनी वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छी कॉलोनी यहाँ पर डेवलप्ड है। देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 का फ्रंट है, तो 30 का फ्रंट होने की वजह से यहाँ पर जो आपको पॉर्च एरिया दिया गया है, काफ़ी बढ़िया एक पॉर्च एरिया मिल जाता है। डबल पल्लड़ का आयरन का गेट यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कार पार्किंग के लिए काफ़ी ह्यूज साइज़ मिल जाता है। साइज़ की अगर बात करूँ तो साइज़ यहाँ पर 8x15 का साइज़ यहाँ पर आपको पॉर्च एरिया का मिल रहा है, जो कि मैं आपको हाथ चला के दिखा दूँ, काफ़ी बड़ा एक पॉर्च एरिया यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको वाटर टैंक प्रोविज़न मिल जाता है, जो कि 5 से 6 हज़ार लीटर वाटर टैंक प्रोविज़न है। बाहर से यहाँ पर जीना मिल रहा है, स्टेयर्स मिल रही है जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर के जाएगी। अगर आप इसे रेंट आउट करना चाहें तो रेंट आउट भी अभी इसे कर सकते हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले किसी भी फ्लोर को आप रेंट आउट कर सकते हैं। दोनों ही साइड में आपको 2 रसोई हैं, यानी कि ऊपर में भी आपको एक रसोई है, नीचे की साइड में भी एक आपको जो है किचन दिया गया है। अब किस तरीके से आपको डिज़ाइन मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा दूँ। हॉल के साइज़ की अगर बात की जाए तो हॉल का साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, काफ़ी ह्यूज का साइज़ मिल जाता है, यानी कि 15x14 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि हॉल का है। अभी कुछ एक काम बाकी है पेंट का, सामने की साइड में टेक्सचर होना बाकी है, जो टेक्सचर होगा। ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं काफ़ी एक अच्छा सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है, बीच में जो है फैन का आपको काफ़ी अच्छा प्रोविज़न मिल जाता है। सामने के दोनों ही चारों कोनों में आप देखेंगे तो आपको LED कॉप मिल रहे हैं। दिन के समय में बड़ी लाइट जलाने की आपको ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली नहीं है। साइज़ आप देख रहे हैं काफ़ी ह्यूज है, तो यहाँ पर आप जो है आपका लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया दोनों ही यहां पर जो है अपने अकॉर्डिंगली कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। ये आपका सिंक एरिया आ गया, जहां पर आप वॉश बेसिन वगैरह लगाएंगे, मतलब बिल्डर द्वारा लगा करके दिया जाएगा, आप इजीली अपने हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। यहां पर आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। अब यहां पर क्या है कि एक कॉमन बाथरूम मिल रहा है, साथ ही साथ एक अटैच में बाथरूम दिया गया है इस रूम के अंदर, और एक ऊपर वाले में भी आपको अटैच में बाथरूम दिया गया है। ये है कॉमन रूम, और ऊपर भी आपको कॉमन रूम मिलेगा जिसमें आपको कॉमन में बाथरूम दिया गया है। यहाँ पर अगर बाथरूम के साइज़ की बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज साइज़ यहाँ पर बाथरूम का दिया गया है। लगभग बाथरूम के साइज़ की बात की जाए तो 7x6x6 का साइज़ यहाँ पर बाथरूम का मिल रहा है। टाइल्स काफ़ी हाइट तक दी गई है। यहाँ पर जो है आपको सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आपके सैनिटरी के हैं। इस साइड में आपको इंडियन टॉयलेट मिल जाता है। टाइल्स जो नीचे यूज़ की गई है स्लिपरी नहीं है, एंटी स्लिपरी जो है टाइल्स यूज़ की गई है। यहाँ पर किचन आ जाती है। किचन के साइज़ की बात करूँ तो किचन का साइज़ काफ़ी ह्यूज है, 8x8 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। नीचे की साइड में यहाँ पर मार्बल्स लगी हुई है, आप वीडियो में आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मार्बल का यूज़ किया गया है। और जो आप फ्लैट पास वाले में देखेंगे वहाँ पर जो है मतलब विला जो देखेंगे उसमें जो है आपको टाइल्स का यूज़ किया गया है। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, कहीं कस्टमर को टाइल्स पसंद होती है, कहीं को मार्बल पसंद होता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये डोर्स मिल रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको बना करके दिए गए हैं। ये पूरा मॉड्यूलर किचन है, आपका जो भी किचन का सामान है आइटम है वो यहाँ पर आप रख पाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर जो है काउंटर जो यूज़ किया गया है, काफ़ी एक अच्छा काउंटर यहाँ पर यूज़ किया गया है। और नीचे की साइड में काफ़ी सारे कैबिनेट्स मिल रहे हैं, तो कुछ भी सामान हो आपका इजीली आप रख पाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पर वेंटिलेशन से रिलेवेंट आपको मिल रहा है। बीच में जो होल करके दिया गया है यहाँ पर आपकी चिमनी लग जाएगी, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, सफोकेशन नहीं होगा। हाइट काफ़ी अच्छी दी गई है। साइड में देख रहे हैं यहाँ पर रैक्स बना करके दी गई है, ये आपका जो भी सामान है वो आप इजीली यहाँ पर अपना रख पाएंगे।
अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उसके बेडरूम की ओर। बेडरूम का साइज बता दूं यहाँ पर मैं आपको, 11 बाय 12 का साइज यहाँ पर बेडरूम का दिया गया है। साथ ही साथ में एक कॉर्नर का प्लॉट है दोस्तों, ये बिक चुका है, आपको अभी 2 यूनिट अवेलेबल है, उनको आप ले सकते हैं। कॉर्नर का प्लॉट है, ये अभी सोल्ड आउट है, लेकिन इसी तरीके से बनेगा इसलिए इसका वीडियो बनाया जा रहा है। सामने की साइड में देख रहे हैं काफी अच्छा आपको टेक्सचर डिजाइन दिया गया, कोई वॉलपेपर नहीं है, ऊपर की साइड में कोई भी सीलिंग डिजाइन नहीं है, लेकिन पीओपी का जो है काफी एक अच्छा काम करके सेल्फ डिजाइन आपको मिल जाता है। सामने की साइड में एसी का सेपरेटली पॉइंट है। इस साइड में देख रहे हैं काफी बड़ी विंडो दी गई है, विंडो का साइज काफी ह्यूज है, तो प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन यहाँ पर हो रहा है। सामने की साइड में काफी सारे आपको वाटर मिल रहे हैं जहां पर आपका सामान बहुत ही इजिली आप यहाँ पर रख पाएंगे। अब इसमें आपको अटैच में बाथरूम दिया गया है, बाथरूम के साइज की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न टॉयलेट लगा करके दिया जाएगा। साइज जो है 7x7 का साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है, टाइल्स काफी हाइट तक मिल रही है। यहाँ पर वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको प्रॉपरली मिल जाता है, जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट आपका हो रहा है, तो काफी एक अच्छी चीज है, वेंटिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको लेकर के आ गया उसके जो बैकयार्ड का एरिया है, जहाँ पर आप इसे वेंटिलेशन की तरह और आपके वॉशिंग एरिया की तरह यूज कर पाएंगे। 6x4 का साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है, आपको यहाँ से जो है प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। जाल ऊपर लगा करके दिया गया है एज अ सेफ्टी पर्पस, बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने आपको उसका किचन हॉल और इसका जो है बाथरूम मैंने आपको दिखा दिया है। मैं आपको सेकंड जो है यहाँ पर आपको रूम दिखा दूँ, अभी पेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। तो रूम के साइज की अगर बात की जाए इसके, तो 11x11 का रूम साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। सामने की साइड में काफी एक अच्छा जो है आपको टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, ऊपर की साइड में सीलिंग डिजाइन मिल जाता है, सीलिंग जो है फैन यहाँ पर ऑप्शन काफी अच्छा है, वुडन का टेक्सचर आपको दिया गया है। सामने की साइड में एसी का सेपरेटली पॉइंट मिल जाता है। इस रूम के अंदर काफी बड़ी एक विंडो दी गई है, जहां से प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा, तो काफी एक अच्छी बात है। सारी ही चीजें मैंने जो नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर पर रिवील कर दी है। प्राइस मैं इसका बता दूं कि आस्किंग प्राइस जो है, आस्किंग प्राइस 65 लाख रुपए है। JDA अप्रूव्ड मतलब ये जो विला है JDA अप्रूव्ड है। इसके फ्रंट की बात जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रंट जो है इसका 30 का है, डेप्थ जो है 30 की है, मतलब फ्रंट और डेप्थ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 100 वर्ग गज में बना हुआ है, पानी और सीवरेज से रिलेवेंट कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। रेलिंग जो यूज की गई है जिंदल की गई है, यहाँ से प्रॉपर सनलाइट आता रहेगा आपके। देख रहे हैं ग्लासेस का यूज किया गया है यहाँ पर, और नीचे टाइल्स में जो है ग्रेनाइट यूज की गई है। हम लोग आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और साइज की बात करूं तो 15x14 का आपको हॉल साइज मिल जाता है, फिर से जैसे कि एज इट इज नीचे की साइड में आपको मिला था। सामने की साइड में टेक्सचर डिजाइन काफी अच्छा सा आपको दिया गया है, ऊपर की साइड में देख रहे हैं सीलिंग डिजाइन काफी अच्छा, सीलिंग आपको डिजाइन मिल जाता है। और यहाँ पर आपका जो है मॉड्यूलर किचन आपको दिया गया है। किचन के साइज़ की बात करूँ तो 8x8 का किचन साइज आपको मिल रहा है, मॉड्यूलर किचन है। दोनों ही साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ से आपका वेंटिलेशन और सनलाइट होता रहेगा। इस साइड में काफ़ी सारे वार्डरोब हैं, जहाँ पर अपना किचन से रिलेवेंट सामान रख सकते हैं। नीचे की साइड में काफ़ी सारे कैबिनेट्स बना करके दिए गए हैं, और चैनल्स काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके थर्ड बेडरूम की ओर, और यहाँ पर जो है आपका बेडरूम की ओर ले जाने से पहले दिखा दूँ कि यहाँ पर टाइल्स लगा करके दी गई है, जहाँ पर आपका सिंक लग जाएगा, जहाँ पर आप अपने इजीली हैंड वॉश कर पाएंगे। इसके यहीं पे आपको कॉमन में बाथरूम दिया गया है, वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको रूम के अंदर लेकर के आ गया हूँ। 12x11 का साइज़ फिर से आपको मिल जाता है यहाँ पर, और इस साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, और देख रहे हैं काफ़ी यूज साइज़ है। ऊपर की साइड में कोई भी सीलिंग डिजाइन नहीं है। सामने की साइड में काफ़ी अच्छा टेक्सचर, और आपको यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है एसी का। इस तरफ काफ़ी सारी वार्डरोब है, जहाँ पर अपना सामान बहुत ही इजीली रख पाएंगे, जैसे कि नीचे की साइड में मैंने आपको दिखाया ग्राउंड फ्लोर पे। इसमें भी आपको अटैच में बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के साइज़ की बात करूँ, 7x7 का साइज़ यहाँ पर बाथरूम का मिल रहा है। यहाँ पर आपको वेस्टर्न शीट लगा करके दी जाएगी। इस साइड में देख रहे हैं आपको वेंटिलेशन का काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी हाइट तक टाइल जो है लगा करके दी गई है, तो यहाँ पर आपको सीलन पपड़ी से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरफ देख रहे हैं आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जो कि आपके बैकयार्ड का एरिया है। इसकी साइज़ की बात करूं, 4x6 का साइज़ यहां पर आपको दिया गया है, 6x4 का साइज़ यहां पर आपको मिल जाता है। साथ साथ वेंटिलेशन यहां से प्रॉपरली होता रहेगा, आप स्टोर रूम या फिर आपके वॉशिंग एरिया की तरह यूज़ कर पाएंगे। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उसके चौथे बेडरूम की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका कॉमन में जो बाथरूम यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका कॉमन में बाथरूम दिया गया है, और एंटी स्लिपरी जो है टाइल यहाँ पर मिल जाती है। 6x6 का ये जो है साइज यहाँ पर आपको मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको वेस्टर्न शीट लगा करके दी जाएगी। काफ़ी हाइट तक टाइल दी गई है, वेंटिलेशन का प्रॉपरली ऑप्शन इस साइड में आपको दिया गया है, और जो डोर्स यूज़ किए गए हैं वो प्लास्टिक के यूज़ किए गए हैं, लेकिन काफ़ी हैवी जो है पाइप प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब मैं चौथे बेडरूम की ओर लेकर के आ गया हूँ। 11x11 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। सामने की साइड में काफ़ी अच्छा डिसेंट सा एक टेक्सचर डिज़ाइन है, एसी का सेपरेटली पॉइंट मिल जाता है,
सीलिंग डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है, बीच में ऑप्शन जो मिल रहा है सीलिंग फैन के लिए आपको दिया गया है। सामने की साइड में देख रहे हैं काफी बड़ी विंडो दी गई है जहां से प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन हो पा रहा है। इस साइड में यहाँ पर इसकी बालकनी आ जाती है, बालकनी का साइज काफी ह्यूज है, देखिए यहाँ से बालकनी स्टार्ट होती है और आपके पीछे तक जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक जो है बालकनी का साइज आपको मिल रहा है, क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट है ये सोल्ड आउट है। आपको जो मैं पास वाला आप लेने के लिए आएंगे जब भी आप विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें आपको ये बालकनी नहीं मिलेगी, कॉर्नर के प्लॉट में ये फ़ायदा होता है। देखिए कितनी बड़ी बालकनी मिल रही है आपको, आसपास का सराउंडिंग एरिया आप देख सकते हैं, सभी प्रकार की एमिनिटीज़ जो आपको बहुत ही नियरेस्ट मिलने वाली है। 100 वर्ग गज में बना हुआ 30x30 का ये जो JDA अप्रूव्ड आपको मैंने 4BHK विला दिखाया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बना हुआ है। फ्रंट एलिवेशन आपने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का फ्रंट एलिवेशन मिल रहा है और यहाँ से आसपास का सराउंडिंग एरिया आप देख सकते हैं। मैं आपको अभी छत पर लेकर के नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती है। प्राइस मैंने इसका आपको बता दिया, आस्किंग प्राइस जो है इसका 65 लाख रुपये है और 65 लाख जो कि ऑन टेबल निगोशिएबल रहेगा। आप जब भी आएंगे बिल्डर से मिलकर के इसे निगोशिएट करा सकते हैं और जैसे भी आपका बैठता है उस अकॉर्डिंगली जो है आप बिल्डर से बात करके इसे निगोशिएट बिल्कुल करवा सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो है प्रॉपर्टी पे आइए, विजिट कीजिए, अगर कुछ समझ में आता है तो ही आगे की बात आप जो है बिल्डर के साथ में कर सकते हैं। नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जाकर के आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर से हमारी वीडियोस को कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में जाकर के आप बता सकते हैं, अपना सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।